लोग एलिमेंट पढ़ेंगे आपको इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और समूह 15 के हाइड्राइड पढ़ेंगे समूह 15 के हाइड्राइड हाइड्राइड जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है हाइड्राइड बनाता है और बात हो चूंकि अपात के साथ हो रहा है भैया क्या हो रहा है हाइड्राइड हो रहा है तो इसे जो हाइड्राइड बनते हैं वह MS3 प्रकार के हाइड्राइड आकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण बंध जो है वो क्या
अब ट्रायल है। अब टायर होगा है हाइड्रोजन जो आसानी से अपचयन करने के लिए उपलब्ध हो रहा है वह अब टायर गुण होगा। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर इन हाइड्राइडों के Yeah.
किस्मत जो होता है वह आपका भाग्य होता है, इसलिए इसे विश्वति के रूप में नहीं लिया गया है। ठीक है, अब अगला बिंदु पर हम लोग चलते हैं, गलनाम व क्वथनाम। ठीक है, गलनाम का क्वथनाम क्योंकि ध्यान से हम लोग देखते हैं, गलनाम व क्वथनाम, गलनाम व क्वथनाम, गलनाम एनएसपी का जो गलनाम जो होता है, गलनाम क्वथनाम सबसे अधिक होता है। समूह में आर्सेनिक से फॉस्फिन से लेकर एस्टरबीन तक इसके गलनाम और क्वथनाम में वृद्धि होता है। तो अमोनिया के गलनाम क्वथनाम इसलिए अधिक होता है कि यह हाइड्रोजन बंध बनाता है, यह क्या करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, एन एच 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 एन एच 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 एन एच अमोनिया का नाइट्रोजन की शुद्धता क्या होती है, अधिक होती है, नाइट्रोजन की शुद्धता कम होती है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आता है, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, आंशिक ऋण आवेश होता है, हाइड्रोजन का आंशिक धन आवेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का घनत्व क्या हो गया है, नाइट्रोजन का घनत्व इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया है। सेम तरह से इसी तरह से इसमें होता है डेल माइनस और डेल प्लस, यहाँ भी डेल प्लस और डेल माइनस, ये डेल लगा देते हैं आंशिक धनात्मक कहेंगे, इसे कहते कहेंगे आंशिक ऋणात्मक। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बनती एक नए प्रकार का बंध बनता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध, इसे हम डॉट ऑफ करके समझाते हैं, इसे हम क्या करते हैं डॉट ऑफ करके समझाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध होने के कारण अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अमोनिया के गलनांक कुछ होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अन्य है जैसे फॉस्फिन है, तो फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मक, फास्फिन में क्या होता है फास्फोरस की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता के लगभग बराबर होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है और उसके जो गलनांक होते हैं अमोनिया से कम होते हैं। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आशा है लाइक करेंगे।